कौन मुख्यमंत्री बन सकते? आदित्य ठाकरे को चांस देना चाहिए। आदित्य ठाकरे पीएम नया आदमी नहीं बनना चाहिए, ईमानदार छवि वाले एजेंसी है, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। इच्छा है क्या आपला शिवसेनाचा मुख्यमंत्री झाला तर आम्हाला बरं वाटेल ह्या गोष्टीने, पण दुसरं काय नाही, उद्देश कसा आहे असं का ना, भाजपचा काय शिवसेनाचाच पाहिजे, पण ज्या सगळं हे आता लवकर लवकर करण्यात आमचा आता हा उद्या करून पावसाचे पण तेच चाललं आहे, मुख्यमंत्री झाले असून पाऊस पण जाणार नाही, मेनली ती कॉमिटी होऊन गेलेली आहे, पण जेवढं माझ्या म्हणताने काय सरकारने हा नियम लवकर लवकर कलावा का कोण आहे कोण नाही, पण आमच्या म्हणताने आम्हाला आपला आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री पाहिजे। मैं तो बोलना चाहता हूँ अपना ये महाराष्ट्र में शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनी, बीजेपी ने बहुत जो भी वंचित समाज है उसके ऊपर बहुत तरीके से अत्याचार हुए हैं, बहुत बोलेगा तो ओबीसी एससी एनटी इनके ऊपर बहुत बोलेगा तो उनको जो भी थोड़ा कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस जो गवर्नमेंट देता था वो भी उनके खिलाफ नहीं मिल रहा है। अभी जो शिवसेना आएगी तो महाराष्ट्र के क्षेत्रीय लोगों के लिए बहुत भी अच्छा हो जाएगा। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना का बनी, लेकिन शिवसेना का बनना चाहिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलके शिवसेना का और उपमुख्यमंत्री कांग्रेस का देगा तो भी चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का बनी। यहाँ पे इतने सारे नेता बने महाराष्ट्र में, बहुत सारे मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन एक ईमानदार छवि वाले हमारे देवेंद्र सर ही है जो 5 साल के अंदर बहुत काम किए, उनके काम दिखते हैं। महाराष्ट्र मतलब मराठियों का आरक्षण पास किया और बहुत ऐसे काम है, ब्रिजों मेट्रो में जो आज प्रगतिशील जो डेवलप दिख रहा है आज भाजपा सरकार में ही दिख रहा है। सीएम कोई भी बने लेकिन नया आदमी नहीं बनना चाहिए, जिसको एक्सपीरियंस है ऐसा आदमी बने तो ठीक है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं ऐसा आदमी ना बने। वो अगर नया आदमी सीएम बन रहा है तो उनको बोलो कि भाई अगर हेलीकॉप्टर फ्लाइट में जाते हो तो नया पायलट लेके जाए, बराबर है ना। शिवसेना का मुख्यमंत्री हवा ही आमची प्रामाणिक इच्छा आहे, शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस ने एकत्र येऊ ही अशी बऱ्याच लोकांची इच्छा आहे, झालं पाहिजे, काहीतरी परिवर्तन झालं पाहिजे। बीजेपीने आता 5 वर्ष सत्ता घेतली, चाललं बघितलं काय चाललं आहे काय नाही, किती विकास झाला किती नाही झाला, महागाईचं काय अवस्था आहे काय नाही, तर ह्यावेळेला ह्यांना चान्स द्यावा। आदित्य ठाकरे या रहे या कोई भी उनके पार्टी का कोई भी रहेगा, जानकारी वाला रहेगा तो अच्छा रहेगा। आदित्य ठाकरे ऐसा नहीं कि वो यही मांगता है, इसके लिए बात नहीं। बीजेपी का तो भरोसा थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि अभी 13 दिन हो गए होने का आ गए, उन लोग का कोई भरोसा नहीं चल रहा है। आज वो कल आज कल आज कल ऐसा ही चालू है। अभी कल के बात बोले, कल के दिन में वो राष्ट्रपति राजौर के पास, अभी वो राज्यपाल के पास जाके आए, कल मालूम पड़ेगा क्या है कल में। अभी इतना दिन रुके तो कल के दिन रुकेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, एक रात का ही तो बात है। भाजपा और शिवसेना सरकार मिलके बनेंगी पक्का वादा है, नहीं तो फिर राष्ट्रवादी राजवट चालू होगी और क्या करेगा। मेरे को लगता है बीजेपी ने जो वादा किया था शिवसेना को वो तो उसने छोड़ना चाहिए, जो उनका जो जनमत था लेकिन 50-50 वो भाजपा ने मान्य करना मांगता था, वो किया नहीं होएगा, इसके लिए शिवसेना ऐसा है न। आदित्य ठाकरे को बनाने के लिए ये नहीं है, इनका उनको अनुभव नहीं है, अभी तो उसके मतलब पहले जो आदमी है उसमें बहुत मतलब 5-5, 6-6 बार आए हैं आमदार बन के, उनको भी देखना चाहिए। आदित्य ठाकरे भले आगे बनेगा चलेगा, हमको कुछ युवा नेता है अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को इतना ही लगता है आज उसका फाइनल हो जाएगा बीजेपी और शिवसेना का, ये तो पक्का है, नहीं तो फिर से निवडणूक करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अभी अगले 5 बरस भाजप को मुख्यमंत्री बनाया, भाजप का उसका सीट ज़्यादा लगाया था, अभी 105 सीट लगा है उसका, तो अभी सब एक ही में पहला इलेक्शन लगा तब 50-50 जगह बोला कि 50-50 होगा, तो मैं उप मुख्यमंत्री तो बनाना मांगता ही थे शिवसेना का, नहीं तो मुख्यमंत्री बनाना में आड़ा बरस मुंबई में रहेगा, जैसे शिवसेना का आए जूना आमदार वही होएगा, आदित्य ठाकरे का वही करेगा नहीं उसको। ये राज्य शिव छत्रभूमि है, या शिवाजी महाराज का जन्मस्थान है किले शिवनेरी, या हर एक जो बना जाता है स्वराज्य बनाने के लिए बहुत दिन गए, एक राज्य बनाने के लिए आसान काम है।
चाहे कोई भी बनने दो, लेकिन जल्दी सरकार बनना मांगता है। इन लोग को सरकार बनाना नहीं आता है तो इन लोग का कुछ भी काम नहीं है। या सीधा राष्ट्रपति राजवट चलना ही मांगता है और चालू होना ही मांगता है। ये जरूरी है, इन लोग का काम नहीं है। ये आगे सरकार नहीं चलने देंगे और चलवाएगी भी नहीं। ये ऐसा साफ साफ दिख रहा है। होना ही मांगता है, 72 नहीं उससे एक, इनको 10 घंटे का ही टाइम देना मांगता था। 10 घंटे में ही सरकार बनना मांगता था। इनका कुछ दोनों का भी लायकी नहीं है, ये लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। ये झगड़ा दूर रह के ये महाराष्ट्र चलाने के लिए कोई भी एक जन मुख्यमंत्री का जो इनके काबिल है, वो राज चलाने के काबिल है, वो एक जन मुख्यमंत्री बनना मांगता है। नहीं इनका काम तो ये सीधा राष्ट्रपति राजवट चालू होना ही मांगता। जो मिलावट है ये सब एक दूजे को मिले हुए, ये बनेगा तो उनके पीछे जाएगा, ये बनेगा तो मैं उनके पीछे जाएगा, ये ऐसा चलते चलते इनमें झगड़े चल रहे, इसलिए ये नहीं होने वाला है। नहीं, कल तक सरकार बनाएंगे, इनका वरिष्ठ पात्र में चर्चा हो रही है तो कन्फर्म सरकार बनेगा। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ये सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे और वही बनाएगा ऐसा तो लग रहा है। अभी बीजेपी का शिवसेना का नहीं जम रहे, इसके लिए ये तीनों मिल के सरकार बनाएगा ऐसा ही लगता है अभी तो। बीजेपी का तो मुख्यमंत्री लोग सब लोग नाराज हैं, वो बनने नहीं देंगे। बहुत लोग को ऐसा खाली आश्वासन दिया है, कुछ काम ज़्यादा नहीं किया है। और जो ट्रांसपोर्ट लोग है उसका तो पूरा वाट लगा है बीजेपी ने, तो सबसे ज़्यादा बेकार ही ट्रांसपोर्ट वाले का हो गया। अभी पुणे मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे कम से कम 4 गुना टोल नाका बढ़ा दिया है। अभी बीजेपी सरकार ऐसा बोल रहा था कि टोल नाका हम लोग बंद करेंगे, लेकिन बंद नहीं कर रहे, वो 4 गुना बढ़ा रहे। तो इसके लिए मतलब झूठ बोल रहा है बीजेपी वाला। सरकार आना चाहिए था, आया था पहले, लेकिन अभी नहीं आना चाहिए। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना ये मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अभी बहुत मतलब ये झूठ बोल के ना सब लोग को चुता बना दिया है बीजेपी वाले ने। सध्याला जी राजकीय परिस्थिती आहे त्याबद्दल सगळ्यांना खंत आहे। ॲक्च्युली सर्व जनतेने युतीच्या बाजूने कौल दिलेला आहे, लवकरात लवकर त्यांनी डिसिजन घ्यावा आणि शेतकरी प्रॉब्लेममध्ये असल्यामुळे त्यांना सोल्युशन करण्यासाठी सर्वांनी डिसिजन घ्यावा हीच इच्छा आहे। कारण राष्ट्रवादीने ते स्टेटमेंट केलं की आम्ही विरोधी पक्षात बसायला तयार आहोत। महाराष्ट्रामध्ये सध्याला ओला दुष्काळाची अशी परिस्थिती की शेतकऱ्यांचे एकदम प्रॉब्लेम क्रिएट झालेत। म्हणून माझं हे सांगणं आहे सर्व राज्यकर्त्यांना की तुम्ही स्वतःच्या सत्तेसाठी हा प्रॉब्लेम क्रिएट न करता जनतेसाठी लवकरात लवकर सरकार बनवा आणि शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा। एवढं 5 वर्ष बीजेपीने काम केलेलं आहे, पण लोक थोडेफार नाराज झाल्यामुळे त्यांचे सीटं कमी झाले, पण पुन्हा एकदा युतीलाच जनतेने कौल दिलेलं आहे। तर शिवसेना बीजेपीने एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करावी आणि फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपद घेऊन सरकार चालवावं। आता आहे ना बनलेलं आहे सरकार, म्हणजे सगळं झालेलं आहे। उद्या डिक्लेअर करणार भाजप सेनेचे सरकार बनणार, भाजप सेनेचे सरकार बनणार आणि उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच असणार। त्यांची काय 50-55 सीट आहेत, त्यांची 105 सीट आहेत। सगळं झालेलं आहे, बोलणं बिलणं सगळं मिटिंग झाली आहे। फक्त लोकांना आज 2 दिवस सट्टा लागायसाठी हे चाललेलं आहे। बाकी कोण कोणाची बाजू मागं घेण्याला कसं आहे, लास्ट मुमेंटला तर यांना सरकार बनवणार हे लोक, कोण सेना भाजप एन सी बीने जर सपोर्ट दिला तर NCP परत आयुष्यात आता जी सीटं आलेत परत येणारच नाही। कारण का NCPला जर आत्ता जर गेले सत्तेमध्ये तर बदनाम होईल NCP। राष्ट्रपती शासन लागतच नाही पहिली गोष्ट। हे सगळं झालेलं आहे आतमध्ये, फक्त आहे ना यावर जनतेला दाखवायचं म्हणून हे चाललेलं आहे। उद्याच सरकार बनणार हे 100% तुम्हाला माहिती आहे, मीडिया बिडियावाल्यांना सर्व माहिती असतं। सेनाला काय, सेनेला सीट खाली भेटली, मग चांगली पदं मिळाली, सेना पण सगळे भुकेलेले आहे। कोणाला काय अशी गरज नाही आणि कोणाला काय जनतेचं पडलेलं नाही। आमदाराला एका आमदाराला तुम्ही यूट्यूबला दाखवलं, एका आमदाराला जर 2 लाख रुपये पगार आहे आणि नोकऱ्या करून लोक हिंडतात, आमदारच्या गाडी भाड्यापासून तर याच्या प्लेनचा खर्चपासून तर ट्रेनचा खर्च, साधं सामान्य माणसं आपण लवकर रिझर्वेशन मिळत नाही।